हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है एमडी समी। ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साउथ इंडियन फोक डांसेस पे है। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए गाइस, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले फोक डांस के बारे में जान लेते हैं। फोक डांस जो है वो प्रोफेशनल डांस नहीं है। हमने हमारे पहले वीडियो में बात बता चुका हूँ कि फोक डांस जो है वो प्रोफेशनल डांस नहीं है। तो ये हमारे सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे गाइस। पहला स्टेट जो है साउथ का, गोवा। गोवा का जो कैपिटल है वो है पणजी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद पादुरंग सावंत हैं। तो पहला डांस जो है गाइस वो है तरंग मेल। प्लीज़ जो गोवा के बच्चे हैं वो हमारे प्रोनाउंसिएशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करके बताइएगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँगा, लेकिन आप इसका ज़रूर बताइएगा इसका प्रोनाउंसिएशन कमेंट बॉक्स में। तरंग मेल, फुगड़ी, धांगर, ढालो, देखनी, घोड़े मोड़नी, भांडव, ठीक है गाइस। कुनबी, दसवतार, गॉफ, रन मेल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग तरंग मेल से, ठीक है गाइस। तरंग मेल, रोमता मेल, ये स्पेशली दशहरा और होली के टाइम पे सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेम्बो कॉस्ट्यूम्स एंड कलरफुल फ्लैग्स। देखिए आप यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, ये जो तरंग मेल का पिक्चर है, यहाँ पे जो है देखिए गाइस, यहाँ पे सारे जो मेल हैं वो कॉस्ट्यूम्स पहन के अपने हाथ में फ्लैग पकड़ के खड़े हैं। तो ये बहुत ही उत्साह से ये फेस्टिवल मनाते हैं, दशहरा और होली। और ये जो डांस परफॉर्म करते हैं उनका नाम है तरंग मेल, या आप उसको रोमता मेल, सेम है दोनों, ठीक है। अगला जो डांस है वो है फुगड़ी, ठीक है डांस। ये जो डांस है फुगड़ी, आप देखिए यहाँ पे जो लेडीज़ हैं, स्पेशली ये लेडीज़ करती हैं, क्योंकि जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही उत्साह में रहती हैं। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, और इनकी जो साड़ी है कितनी खूबसूरत लग रही है। साड़ी पहने हुए ये गोल चक्कर बना के, गोल सर्कल बना के, और ये डांस करती हैं, ठीक है। तो फुगड़ी किसी भी फेस्टिवल या बड़े ओकेज़न में किया जाता है, कोंकण रीजन में, कोंकण रीजन में किया जाता है। और जो हमारे हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद महीना जो आता है वो भाद्रपद महीने में किया जाता है, ठीक है। अपने स्ट्रेसफुल ज़िंदगी से ब्रेक लेने के लिए और उस अपने आप को खुश रखने के लिए ये डांस मनाया जाता है, डांस किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, धांगर, अगला जो डांस है वो है धांगर, ठीक है। धांगर जो है वो सेफर्ड कम्युनिटी के लोग करते हैं। सेफर्ड कम्युनिटी मीन्स आप सेफर्ड कम्युनिटी जैसे चरवाहा जो होता है, चरवाहा जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो उन लोग ये डांस करते हैं। कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं ये डांस के, देखिए आप वाइट धांगर जो है वो वाइट क्लोथ पहन के, ठीक है, और रेड स्ट्रिप्स होते हैं इनके कपड़ों में, हाथ में रुमाल लेके और पगड़ी पहन के ये ग्रुप में डांस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो डांस है वो है ढालो। ढालो रिचुअल फोक डांस है। ये भी वुमेन के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। आप देख सकते हैं ये सर्कल बना के जो औरतें हैं ये ढालो में, देखिए पिक्चर में, इस पिक्चर में, ठीक है। और ये भगवान से प्रे करते हैं कि इनकी जो ज़िंदगी है वो खुशहाल रहे, इनके घर परिवार वालों को कोई नुकसान ना हो, सारे मुसीबतों से बचाव हो सके। तो ये मेनली उसी के आधार पे है। तो यहाँ की लेडीज़ ये अपने श्रद्धा को दिखाती हैं भगवान के प्रति, तो ये डांस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगले डांस पे आते हैं, वो देखनी। देखनी, देखिए देखनी जो है वो नाम से ही देखने लायक है, ठीक है। तो अगर आपको कभी मौका मिले गोवा, अगर आप कभी जाएँ और आपको मौका मिले देखने का, तो देखनी जो है वो देखते ही बनेगा आपको। देखनी मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है। ये भी कोंकण रीजन द्वारा, कोंकणी द्वारा किया जाता है, कोंकण रीजन में, ठीक है। ये गर्ल्स और वुमेन परफॉर्म करती हैं सिर्फ,
इसमें मर्द का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। हाथ में पेंटिज लेके, या पेंटिज मतलब जैसे घड़े का लैंप होता है तेल का, जो हाथ में लेके ये डांस परफॉर्म करती हैं। और ये जो है यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखिए, आप इस पिक्चर में आप देखिएगा, ठीक है। देखनी जो है यहाँ पे ये, और ये जो है जो जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स और वुमेन्स जो परफॉर्म करती हैं, जो शामिल पार्टिसिपेट करती हैं डांस में, वो भगवान के नौकर के तरह रोल प्ले करती हैं। और एक बहुत ही सुंदर औरत को बीच में रख के उसके इर्द गिर्द ये डांस पूरा परफॉर्म होता है, ठीक है। और इसका जो मेन इसका अट्रैक्टिव पार्ट ये है कि वेस्टर्न रिदम्स और इंडियन वॉइस सब मिक्सचर है, अट्रैक्टिव मिक्सचर ऑफ वेस्टर्न रिदम्स एंड इंडियन वॉइस, ठीक है। और इसकी जो भी डांस स्टेप हैं वो क्लासिकल डांस से लिए गए हैं, कत्थक और भरतनाट्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो डांस है वो है घोड़े मोरनी, ठीक है। घोड़े मोरनी जो है ये डांस जो किया जाता है स्मरण उत्सव, यानी कि किसी के याद में स्मरण करने के लिए। तो स्मरण क्या करते हैं इसमें, रिटर्न ऑफ रेंस आफ्टर विक्ट्रीज, मतलब रेंस जो जीत हासिल करके पुर्तगीज से आए थे उसको स्मरण करने के लिए ये डांस किया जाता है। बिछुलिम एंड सतारी तालुका के लोग ये करते हैं वहाँ के, ठीक है। अगला डांस है फ्रेंड्स भांडप। ये जो भांडप जो है ट्रेडिशनल फोक डांस है, ये वुमेन के द्वारा किया जाता है। शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी जो है वहाँ उसकी वुमेन्स जो हैं वो करती हैं, ठीक है। ये भी भाद्रपद महीने में किया जाता है, सेकेंड हाफ भाद्रपद महीना जो हिंदू कैलेंडर में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये जो है ये भी सर्कल बना के ही किया जाता है। ये कुछ महिलाएं ग्रुप्स में साड़ियाँ, सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहन के और ये डांस करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला डांस है कुनबी। कुनबी डांस है, ये कुनबी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि कुनबी डांस करते हैं। और इनका प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होता है, आप देखिए ये आदिवासी कम्युनिटी है, ठीक है। ये जो साड़ियाँ हैं आदिवासी साड़ी, ये इस पर बहुत ही मतलब स्पेशल साड़ी है जो कि आदिवासी लोग, ये औरतें जो हैं वो डांस करने के लिए ही पहनती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुनबी डांस कुनबी कम्युनिटी के लोग परफॉर्म करते हैं, तो कुनबी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और दशा अवतार, दस अवतार मतलब भगवान ने जो दस अवतार लिए हैं, कौन भगवान, विष्णु भगवान, उनके इनकार्नेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, और इनको पूरा डांस फॉर्म में प्ले किया जाता है। जो हमारे विष्णु भगवान के 10 इनकार्नेशंस हैं, जैसे मत्स्य यानी कि फिश, कुर्मा टोट्राइज, वरह वाइल्ड बोर, नरसिम्हा हाफ मैन एंड हाफ लायन, वमन ड्रॉफ, परशुराम, रामा, बलराम, कृष्ण एंड कल्कि, ये 10 इनकार्नेशंस को दर्शाया जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है फ्रेंड। तो अगला जो हमारा डांस है बच्चों वो है गॉफ। गॉफ जो है वो सिंगमो फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में, सिंगमो फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में पोंगुइनी गांव में, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ के जो लोग हैं ये डांस करते हैं। देखिए आप गॉफ डांस जो है, एक्चुअली ये डांस बहुत ही सुंदर लगेगा आपको देखने में। अगर आप पिक्चर में देखें, यहाँ पे डांस फॉर्म को देखें अगर पिक्चर में, तो ये देखिए एक मेन हेड बना हुआ है और चारों तरफ बैम्बू लगा हुआ है, और उस मेन हेड से पूरा लंबा कपड़ा बंधा हुआ है, और हर एक आदमी जो है उस कपड़े को पहन के, कपड़े को पकड़ के और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो एक बार वो टाइट हो जाएगा और फिर वापस रिटर्न घूमते हैं तो वो खुल जाता है। तो ये पूरा मतलब सर्कल में ही डांस परफॉर्म होता है। अगला डांस है रनमेल। रनमेल जो है, जो लॉर्ड विष्णु जो हैं, हमारे विष्णु भगवान जो हैं, उनका जो सबसे फेमस इनकार्नेशन है, अवतार जो है राम, उनको बताने के लिए वहाँ के जो लोग हैं उनको बताने के लिए, अपने जनरेशन टू जनरेशन अपने यंगर को उनकी कहानी पास करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए, ये पूरा एक बखूबी एक डांस परफॉर्म होता है, पूरे एक्टिंग के द्वारा, पूरे कॉस्ट्यूम्स प्रॉपरली पहन के, ठीक है। तो मेन ये स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग डांस है। तो ये अपने लोगों को बताते हैं कि कैसे जो राम भगवान हैं वो कैसे क्या क्या कहाँ पे कैसे कैसे काम किए, तो उनकी स्टोरी को, रामायण को दर्शाने के लिए, बताने के लिए ये डांस किया जाता है।
चलिए फ्रेंड्स, इसके डांस फॉर्म को याद करने का टेक्निक हम लोग देख लेते हैं कैसे याद किया जाता है डांस फॉर्म। गोवा इज अ बीचेस के लिए जाना जाता है, ठीक है। गोवा जो है मेनली वहाँ पे बीचेस के लिए लोग जाते भी हैं, वहाँ पे घूमने के लिए। तो समंदर में तरंग उठते हैं, तो तरंग से तरंग मेल, रोमता मेल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वहाँ जाने के लिए धन की, यानी कि पैसा की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। और यहाँ के लोग कुनबा बना के मेल जोन में जाते हैं ताकि सुंदर नज़ारे देखने जाते हैं। तो मेल जोन में जाते हैं तो रोमता मेल हो गया, कुनबा बना के जाते हैं यानी कि ग्रुप में जाते हैं तो कुनबा से कुनबी हो गया, सुंदर नज़ारे देखने देखने से देखनी हो गया, और देखते हुए वहाँ के माहौल में ढल जाते हैं तो ढल से ढालो हो गया, और वहाँ जाके फूकते हैं, फूकते मतलब फूकते हैं, तो फूकते से फुगड़ी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला स्टेट पे आते हैं हम लोग। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो अपने एक्टिंग और नाटक और ड्रामा के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे बहुत ही थिएटर्स हैं अवेलेबल हैं, स्टूडियो हैं, ठीक है। आपको महाराष्ट्र का जो डांस है लावणी, वो मुंह पे याद रहना चाहिए, मतलब इतना फेमस डांस है ये, और ये हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में प्ले भी किया जाता है डांसेस, तो आपको बहुत ही मतलब ये एकदम आपको याद होना ही चाहिए डांस लावणी, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में महाराष्ट्र सुनते ही लावणी दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो लावणी हो गया, लावणी जो है वो वर्ड लावण्या है जिसका मतलब ब्यूटी, उससे ड्राइव किया गया है। आप देखेंगे लावणी डांस है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो यहाँ पे महिलाएं हैं, कितनी सुंदर ये दृश्य लग रहा है, ये जो पिक्चर है फोटोग्राफी बहुत ही सुंदर है, और ये डांस भी आपको जब देखेंगे तो मतलब इन्जॉयमेंट नज़र आपकी हटेगी नहीं, इतना आप इन्जॉय करेंगे इस डांस को। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं ये सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहन के, ब्यूटीफुल साड़ीज आर देयर, ओके, एंड दे परफॉर्म वेरी ब्यूटीफुली दिस डांस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लावणी, निर्गुनी लावणी एंड सिरगुनी लावणी, ठीक है। दो टाइप्स की लावणी होती है, निर्गुनी लावणी और सिरगुनी लावणी। तो जो श्रीनगरी लावणी है, श्रीनगरी लावणी जो है वो ज़्यादा फेमस है, और ये बॉलीवुड मूवीज में किया भी जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले डांस पे आते हैं। अगला डांस है कोली डांस। कोली जो है वो एक कम्युनिटी है मछुआरों की, कोली फिशर्स, उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये मैन एंड वुमेन दोनों के द्वारा किया जाता है, अपने खुशी को जाहिर करने के लिए, चाहे किसी बड़े ओकेज़न में या फेस्टिवल्स में, ये कभी भी ये डांस करते हैं तो उसी फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अगला डांस है दही काला। दही काला आप देखिए, दही हांडी जो कृष्ण जन्माष्टमी में लोग मनाते हैं, दही हांडी उसी का फॉर्म है, दही काला यहाँ कहा जाता है। दही काला, काला डांस ऑल्सो शोकेस द प्लेफुलनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा भगवान जो, उनको दही बहुत पसंद था, वो चुरा कर खाते थे, तो उन्हीं को मतलब इन्जॉयमेंट में लेके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ये पूरी भीड़ इकट्ठा होती है, और एक सीरी एक बड़े बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है हांडी जिसमें दही होता है, और उसको फोड़ने के लिए लोग झुंड बना के स्टेप बाय स्टेप चढ़ के उस हांडी को फोड़ते हैं, ठीक है। अगला डांस है लेजिम। लेजिम एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाथ में लेके ये महिलाएं डांस करती हैं। गाफा, नकाटा, दस अवतार सेम है जो पिछले गोवा में देखा आपने, क्योंकि गोवा महाराष्ट्र सटे हुए हैं, तो ये आपको सेम फॉर्मेशन मिलेगा डांस का। तो दस अवतार वही है, 10 इनकार्नेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु को दर्शाया जाता है डांस के एक्टिंग के फॉर्म में, और बुहाड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगले स्टेट पे आते हैं, कर्नाटका, जिसका कैपिटल बेंगलुरु है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है हमारे श्री BS येदियुरप्पा, ठीक है। तो पहला जो डांस फॉर्म है यक्षगान या यक्षगाना, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। यह ट्रेडिशनल थिएटर डांस है एंड ड्रामा बेस्ड ऑन मैथोलॉजिकल एंड प्रोनास। हमने आपको बोला ही कि जो साउथ इंडिया के डांस हैं वो अधिकतर आपको उसी पे बेस्ड मिलेंगे। द साउथ इंडियन डांसेस आर बेस्ड ऑन मैथोलॉजिकल एंड प्रोनास, द ऑल डांस एंड ड्रामा आर देयर, ओके। अगला डांस है ढोलू कुनिथा। कुनिथा मीन्स डांस होता है, ठीक है। ये कन्नड़ लैंग्वेज है कुनिथा, तो कुनिथा मीन्स डांस होता है, और डोलू जो है वो ड्रम है, डोलू मीन्स ड्रम।
तो आप देखेंगे ढोलू कुनिता जो डांस है यहाँ पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर जो है यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पे ड्रम ले हाथ में लेके ये बजाते हुए ये पूरे ग्रुप में डांस करते हैं लोग, ठीक है। किसी भी फेस्टिवल में या बड़े ओकेजन में ये डांस किया जाता है कर्नाटका में। अगला डांस है पाता कुनिता। पाता मैसूर रीजन में किया जाता है, रिलीजियस डांस है ये भी बाय मेन, ठीक है। यूजेस अ लॉन्ग बैम्बू डेकोरेटेड विथ अ रिबन, जिसको पाता कहते हैं हम लोग। मतलब ये देखिए आप इस पिक्चर में देखिए आप पाता कुनिता, ये जो यहाँ पे तीसरा पिक्चर है हमारे वीडियो में, देखिए यहाँ पे तीसरा जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा पाता कुनिता, यहाँ पे देखिए सारे मेंस हैं ये बैम्बू में रिबन को, मतलब सारे कलरफुल रिबन्स बैम्बू को सजा दिए हैं पूरा डेकोरेट करके। दे डेकोरेटेड देयर बैम्बू स्टिक विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबन, ठीक है। तो ये डांस परफॉर्म करते हैं। सुग्गी कुनिता, अगला जो डांस है वो सुग्गी कुनिता। सुग्गी कुनिता जो है वो हलक्की ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्टिंग टाइम पे। इसका ये देखिए लास्ट जो फोटो है, फोर्थ वन जो देख रहे होंगे आप, चौथा फोटो यहाँ पे, ये हेड पे देखिए कितनी खूबसूरत जो है आपको देखने को लग रही होगी। ये जो मेन आकर्षण का केंद्र है इनका जो टोपी ये बनाया हेड पे अपने, कितनी फुलझड़ियाँ लगा के ये बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। हार्वेस्टिंग करने के बाद अच्छी फसल हो जाने की खुशी में ये डांस किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो डांस है वो है पूजा कुनिता। पूजा कुनिता जो है ये बहुत ही मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल डांस है, फोक डांस है, जो कि बैंगलोर और मंड्या डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और इसमें बॉडी मूवमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बॉडी मूवमेंट को मैच करना। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो पिक्चर है यहाँ पे, ये देखिए पहला पिक्चर जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो ये दो लोग खड़े हैं यहाँ पे, चार लोग खड़े हैं, अपने कंधे पे बैम्बू को रखे हुए हैं और बैम्बू के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है और उसके अपने सर पे उन्होंने एक बड़ा सा फूल का मतलब सजाया हुआ रेक्टेंगुलर शेप का, और वो सर पे लेके बैलेंसिंग करके ये डांस परफॉर्म कर रहे हैं। कितना मतलब सुंदर लग रहा है देखने में ये, आप देखिए आप इस डांस को, बहुत ही स्किल चाहिए होता है ये डांस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी मूवमेंट, जरा सा भी मिस्टेक होगा और सारा बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा, तो इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है इस डांस के लिए, ठीक है। अगला जो डांस है फ्रेंड्स वो है वीरगेस जो डांस है, स्पेशली गॉड एक जो गॉड है हमारे वीरभद्र गॉड हैं, उनके प्रति प्यार को दिखाने के लिए, उनके प्रति प्यार जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ के लोग डांस करते हैं। देखिए कॉस्ट्यूम्स भी कितनी सुंदर लग रही है, पूरे भगवान टाइप के एकदम लग रहे हैं ये लोग, पूरे कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं और उनके प्रति प्यार को दिखाने के लिए, जताने के लिए कि वो कितना प्यार करते हैं अपने भगवान से, ठीक है। और ये परफॉर्म करते हैं डांस को, स्पेशली जो कार्तिक एंड सावन महीने में ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगला डांस है भूत आराधने। तो भूत आराधने आप नाम से समझ लीजिए, भूत की आराधना की जाती है, ये रिचुअलिस्टिक फोक डांस है, ठीक है, भूत आराधने। कामसेल जो डांस है, कामसेल इज ए सेक्रेड रिचुअल डांस परफॉर्म्ड बाय ए डिवोटीज ऑफ गॉड महादेश्वर, यानी कि महादेश्वर शिवा जो शिव भगवान है हमारे, उनका नाम है महादेश्वर, उनके प्रति प्यार को दिखाने के लिए या उनके श्रद्धा दिखाने के लिए उनके प्रति ये ट्रेडिशनल डांस किया जाता है हालू क्रूबा कम्युनिटी के द्वारा। ये देखिए कामसेल्स जो ये आप इस वीडियो में फोर्थ पिक्चर जो है हमारा, ठीक है, फोर्थ पिक्चर जो है हमारा, उसमें देखिए आप कितने सुंदर ये लग रहे हैं ये लोग, और ये बहुत ही मतलब श्रद्धापूर्वक ये डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए अगला डांस ख़त्म हो गया। अब इसको याद करने का ट्रिक्स हम लोग समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स कैसे इसको याद किया जाए, ठीक है। तो कर्नाटका मीन्स नाटक, नाटक को हम लोग कर नाटक नाटक करिए आप लोग, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रख के चलेंगे। जैसे पूजा में कितना नाटक होता है, देखिए मैं जो भी ट्रिक्स टेक्निक बता रहा हूँ इस चीज़ को आप लोग एनीवे मत लीजिएगा आप किसी से, रिलेट बस खाली आपको याद करने के लिए मैं सारे टेक्निक आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको रिमेम्बर कर सकें, हो सकता है आप डायरेक्टली याद कर लें,
अगर हमारे ट्रिक्स को आप फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली याद करें, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा इसमें कुछ सेंस नहीं लगाइएगा, सिर्फ आप ये ध्यान में रखिएगा, आपको सारे जो डांस फॉर्म है वो याद हो जाएंगे। देखिए जैसे पूजा में कितना नाटक होता है, एक को दूसरे की पूजा गलत लगती है और पूजा में यक्षगण भी नाटक करते हुए दिखाई देते हैं भगवान का गेटअप धारण करके, ठीक है। जो भगवान का गेटअप बन के जो उन लोग का भी अलग ही नाटक होता है। तो पूजा से पूजा कुनिथा हो गया, यक्ष से यक्षगण हो गया, पूजा में ढोल बजाने वाले भी नाटक करते हैं तो ढोल से ढोलू कुनिथा, ठीक है। पंडित जो पाठ पढ़ते हैं, पाठ से पाता कुनिथा, सुग्गी यानी सुग्गा यानी कि पैरोट भी कितना नाटक करता है, देखते हैं अगर आप अगर आपने पैरोट को रखा होगा तो कितना नाटक करता है, जो पंछी होता है पैरोट बहुत प्यारा होता है और बहुत नाटक करता है। तो सुग्गा, तो सुग्गा से सुग्गी कुनिथा हो जाएगा। भूत लोग भी बहुत नाटक करते हैं, ठीक है। भूत लोग बहुत वीर होते हैं और नाटक भी करते हैं, तो भूत, भूत से भूत आराधने, वीर से वीर गेस हो जाएगा, नाटक करते हैं। और जो भूत से डर गया वो काम से गया, जो भूत से डर गया वो काम से गया, तो काम से काम सेल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जिसका कैपिटल हैदराबाद है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो श्री YS जगन मोहन रेड्डी। पहला जो डांस है यहाँ का फ्रेंड्स वो है बुर्रा कथा और जनगम कथा। बुर्रा कथा और जनगम कथा, तो कथा से आप समझ लीजिए स्टोरी, डांस नरेशन बाय स्टोरी टेलिंग। अब देखिए बुर्रा कथा जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर, पहला पिक्चर जो है बुर्रा कथा, ये देखिए तीन लोग जो हैं ये स्टोरी को बताते हैं, कहानियाँ जो हैं हमारे धर्म में गीता में जो कहानी कृष्ण भगवान की दी हुई है, पांडवास की दी हुई है और रामायण में राम भगवान की है। तो ये मेनली स्टोरी टेलिंग डांस है जहाँ पर कथा सुनाया जाता है, तो बुर्रा कथा और जंगम कथा। बोट्टा बोमालू अगला डांस जो हमारा वो बोट्टा बोमालू, ठीक है। बुट्टा मीन्स बास्केट ट्वाइस, बास्केट ट्वाइस बैम्बू स्टिक, बैम्बू का यूज़ करके बास्केट बहुत बड़े बड़े, आपने कभी अगर देखा होगा कि मतलब हमारे गांव या कहीं भी मोहल्ले में बहुत बड़े बड़े लोग अपने पैर के नीचे डंडा लगा के घूमते हैं, तो उसी टाइप का ये डांस डांस फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि एक टॉय बना के बहुत ही सुंदर तरीके से टॉय बनाया जाता है और उसके अंदर घुस के और ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अंदर से खाली होता है, बाहर से बहुत हल्का बनाया जाता है इसको। काउ डंग बैम्बू स्टिक और पेंट्स का यूज करके और घास का भी इस्तेमाल करते हैं, सूखे घास का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ताकि हल्का बने, जो टोटल हमारा जो फॉर्मेशन बनेगा वो बहुत हल्का बनेगा। और ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। अगला डांस है कोलाटम या कोला नलू, जो कि स्टिक डांस है। आप देखिए तीसरे पिक्चर में कोलाटम डांस गर्ल्स के द्वारा किया जा रहा है, ये हाथ में स्टिक, जैसे गरबा गुजरात में जो गरबा किया जाता है सेम मतलब है, थोड़ा सा वहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम लोग, गरबा या डांडिया रास जो है वहाँ हाथ में डंडा लेके जो नवरात्रि के टाइम पे डांस होता है वही सेम है, स्टिक डांस वो भी है, ये भी स्टिक डांस है, यहाँ पे गर्ल्स ही करती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स में, दिवाली में या शादियों में ये डांस किया जाता है या फिर चाइल्ड बॉर्न के टाइम पे। अगला जो है वीर नाट्यम, वीर नाट्यम जो है वो वीर मीन्स क्या होता है, पावरफुल, तो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये डांस किया जाता है, ये रिचुअल डांस है। वीर मीन्स ब्रेव, नाट्यम मीन्स डांस। तो रिचुअल दैट वॉज परफॉर्म्ड इन शिवा टेम्पल्स, शिवालय में जो शिवा टेम्पल्स होते हैं, शिव भगवान के टेम्पल्स होते हैं, उन टेम्पल्स में किया जाता है उनके ऑनर में, ठीक है। वीरभद्र जो है बेस्ट नोन फॉर परफॉर्मिंग दिस स्टाइल ऑफ डांस इन पर्टिकुलर वीरामुस्ती कम्युनिटी के द्वारा अपने ताकत का प्रदर्शन करते हुए ये दिखाते हैं डांस, ठीक है। अगला जो डांस है वो फ्रेंड्स आंध्र नाट्यम, आंध्र नाट्यम जो है वो आंध्रा का एक तरह से आप समझ लीजिए क्लासिकल भी नहीं कह सकते हैं फुल्ली इसको, पर ये एक्सटिंक्ट हो गया था, ये डांस खो गया था कहीं पे, ठीक है। ये डांस जो है लेकिन हमारे जो क्या बोलते हैं डॉक्टर नटराज रामकृष्णा जो हैं उन्होंने खोज निकाला ऐसे डांसर्स को जो आंध्र नाट्यम के बारे में जानते थे
और वहाँ से रिवाइव किया इसको, तो आज हम लोग इसको जानते हैं। आन नाट्यम जब परफॉर्म किया जाता है मतलब भगवान को खुश करने के लिए, ताकि वो आपसे खुश हो जाए। जो आपने कभी पिक्चर में देखा होगा कि भगवान के मूर्ति के सामने, भगवान के सामने एक कोई महिला या कोई भी मतलब डांस परफॉर्म करता है, स्पेशली ये महिला करती हैं, लेकिन कोई भी कर सकता है इस डांस को, भगवान को खुश करने के लिए, ताकि वो आपसे खुश हो जाए और आपको वरदान दें। ठीक है, अगला डांस है फ्रेंड माथुरी डांस। माथुरी डांस देखिए आप लोग, ठीक है, सेकंड जो पिक्चर है हमारा इसमें माथुरी डांस। ये माथुरी ट्राइब के द्वारा किया जाता है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ऑन ओकेजन ऑफ कृष्णा अष्टमी इन श्रावण मासम बाय वुमेन एंड मैन सेपरेटली एंड टुगेदर। मतलब अलग अलग भी करते हैं और साथ मिलके भी करते हैं। ठीक है, हाथ में रुमाल लेके ये कॉस्ट्यूम्स देखिए पहन के, हाथ में रुमाल लेके ये डांस किया जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस डांस के बारे में, वो हाथ में रुमाल लेके करते हैं ये डांस। अगला डांस है फ्रेंड्स गरालू। दे कैरी डेकोरेटेड एंड वर्टिकली पेड वेसल्स। मतलब वेसल्स मतलब क्या समझते हैं, लंबे स्टिक होलो जो होता है अंदर से वेसल्स। देखिए आप इस पिक्चर में, अगर आप देखिएगा ये जो स्टिक है इसके हेड, इनके हेड पे तीन दिख रहे होंगे आपको, लंबे लंबे तीन ठो स्टिक टाइप के दिख रहे होंगे जो इन लोग सर पे पहनते हैं और ये डांस करते परफॉर्म करते हैं। इनका कॉस्ट्यूम इसी बहुत ब्यूटीफुल है, देखने में इतना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये डांस आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, अगर आपको कभी मौका मिले आंध्र प्रदेश जाने का। ठीक है, अगला जो डांस है वो दप्पू बाघम। दप्पू जो एक इंस्ट्रूमेंट है, दप्पू एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेदर से बनाया जाता है, काउज गोट या बफेलो के लेदर से बनाया जाता है ये दप्पू। तो इसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके ये डांस होता है, ये जो आप देख रहे होंगे लास्ट वीडियो में, लास्ट फोटो में, फोर्थ वन, ये फोर्थ वन फोटो है। यहाँ पे देखिए आप, इसमें ड्रम है, ड्रम हाथ में लेके ये डांस परफॉर्म हो रहा है, ये अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए डांस करते हैं। ठीक है, तो दप्पू बाघम। अगला फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स अगला जो डांस है वो है बाथ कनपा, जो मैरिजेस के टाइम पे किया जाता है, भामा कल्पम, लांबड़ी और धिमसा। ठीक है, लांबड़ी और धिमसा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डांस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। ठीक है, लांबड़ी और धिमसा ये आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। यहाँ पे देखिए हमारे ट्रिक्स को देखिए आप, आंध्र प्रदेश में आंधी, आंध्र प्रदेश मतलब आंधी या अंधा व्यक्ति जो भी आप समझिए, इसको हम रेफरेंस लेंगे। यहाँ पे मैंने आंधी को रेफरेंस लेके चला है हम। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आंधी, आंधी से आंध्र नाट्यम या आंध्रा से डायरेक्टली आंध्र नाट्यम हो गया। आंधी आना बुरा होता है, तो बुरा से बुरा कथा हो गया। ठीक है, भुट्टा सब उड़ जाता है, तो भुट्टा से भुट्टा बोमालू हो गया। आंधी आने के आसपास सब काला, जहाँ पे आंधी आता है, आंधी आने से सारा माहौल जो है वो काला काला हो जाता है, तो काला से कोलाट्टम और कोलानलू हो गया। और ये ऐसा समझ लीजिए कि माथुर साहब आंधी में उड़ गए। ठीक है, माथुर साहब आंधी में उड़ गए, तो माथुर से माथुरी हो गया। ठीक है, जैसा आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, हम माथुर साहब को ही उड़ा दिया हमने। ठीक है, आंधी जब आती है गुर्राते हुए आता है और धीम धाम करता है, तो आंधी जब गुर्राते हुए गुर्राते से गरालू याद हो जाएगा, धीम से धीमसा याद हो जाएगा और धाम से दप्पू बाघम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सारे डांस कवर कर लिए हमने। आप तो आपको ताली हमारे लिए बजाना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमारे ताली बजा दीजिए हमारे लिए, बहुत मेहनत किया हमने ये ट्रिक्स आपको याद कराने के लिए, डांस याद कराने के लिए। ठीक है, चलिए अगला फ्रेंड तेलंगाना। तो देखिए यहाँ पे भी आपको लांबड़ी और धिमसा मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए तेलंगाना का जो कैपिटल है वो भी हैदराबाद ही है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है, डांस फॉर्म देख लीजिए फ्रेंड्स, पेरेनी शिव तांडवम। ठीक है, तो नाम देखिए शिव तांडवम, मतलब जब शिव भगवान गुस्सा होते हैं, आपने स्टोरी में भी देखा होगा जो प्ले दिखाया जाता है टीवीज में, शिव भगवान जो है जब गुस्सा होते हैं, अपने जब गुस्से रूप में आते हैं तो तांडव करते हैं। ठीक है, तो ये डांस भी ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, डांस ऑफ द वॉरियर्स परफॉर्म्ड बाय द मेल्स। ठीक है, पद्मश्री अवार्डेड लेट डॉक्टर नटराजन रामकृष्ण रिवाइव द आर्ट फॉर्म रिसेंटली। मतलब
ये आर्ट फॉर्म जो है ये कहीं लुप्त हो गया था, उन्होंने इसको रिवाइव किया, फिर से लेके आए। ठीक है, तो शिव तांडवम, शिव का तांडव। अगला जो फ्रेंड है, बुर्रा कथा और जंगम, ये सेम है फ्रेंड, सेम एकदम सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं। डांस नरेशन है, बुर्रा कथा स्टोरीज व रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल स्टोरीज होते हैं सारे। ठीक है, चिंदू भागवतम, चिंदू भागवतम देखिए, द वर्ड चिंदू मीन्स तेलुगु में जंप, जंप करना। ठीक है, एज देयर प्रेजेंटेशन इज इंटर स्प्रेड विद द लिप्स एंड जंप्स, मतलब इनका जो प्रेजेंटेशन होता है डांस का, जब ये किसी स्टोरी को बताते हैं जिसमें बहुत कुंदा फांदी होती है, जंपिंग होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, चिंदू भागवतम, भागवत मतलब किसी स्टोरी के बारे में बताना, तो ये जो है नाम इससे इनके जो डांस स्टेप है इस वजह से चिंदू भागवतम नाम इनका दिया गया है। अगला नृत्य है फ्रेंड दप्पू नृत्य, सेम है, दप्पू जो इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू किया जाता है, लामबड़ी धिमसा और मयूरी। ये देखिए आप लोग, घुसड़ी जो फ्रेंड्स है बाया गोंडालू ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। ये देखिए कितने, मतलब ये आदिवासी ट्राइब्स हैं। ठीक है, ये जो कपड़े देख रहे हैं काले काले आप लोग कपड़े पहने हैं और हेड में जो ये मोर टाइप का लगा लिए हैं। ठीक है, ये कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा देखने में पूरा एकदम, ये डांस आपको देख रहे होंगे आप लोग वीडियो में, पिक्चर थर्ड वाला देखिए आप लोग। ठीक है, ये फोर्थ वन देखिए, थोलू बोमा लट्टा। ठीक है, बोमा लट्टा ये साइडो पपेट फॉर्म है। ये देखिए आप फोर्थ वन देखिए, फोर्थ पिक्चर जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, वन नहीं सॉरी फोर्थ वन नहीं फिफ्थ वन जो देख रहे होंगे आप लोग पिक्चर यहाँ पे देखिए, ये साइडो बनाया जाता है, मतलब जो पपेट्स होते हैं, पपेट कठपुतली समझ लीजिए, पपेट जो छोटे छोटे आप देखे होंगे पिक्चरों में, पपेट्स आप लोग बहुत लोग देखे भी होंगे पपेट कैसे होते हैं, तो पपेट का साइडो का इस्तेमाल कर, उसकी परछाई को इस्तेमाल करके ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है देखने, देखेंगे अगर आप इसको तो बहुत मज़ा आएगा ये डांस देखने में। ठीक है, तो साइडो का इस्तेमाल करके सारी कहानियाँ देखिए आप, यहाँ पे हनुमान जी हैं, ये रावण है 10 सर के साथ, तो ये स्टोरी टेलिंग है, मैथोलॉजिकल डांस है ये। ठीक है, स्टोरी टेलिंग। थोलू मीन्स होता है लेदर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोलू मीन्स लेदर होता है, जो कि गोट काओ या बफेलो की स्किन से बनाया जाता है ये सेट पपेट्स जो हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए हम लोग समझ लेते हैं, तेलंगाना, तेल को हम लोग रेफरेंस लेंगे, तेल। ठीक है, जब पैर में दर्द होता है तो हम लोग तेल लगाते हैं, दर्द ज़्यादा होगा तो लंबे समय तक तेल लगाएंगे, तो पैर में दर्द होता है तो पैर से पेरिनी शिव तांडवम, पैर से पेरिनी, पैर पेरिनी शिव तांडवम आदि हो जाएगा आपको। लंबे समय तक लगाते हैं तो लामबड़ी, इसका तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आंध्र प्रदेश में भी आपको बताया कि कैसे याद करेंगे लामबड़ी, तो ये दोनों उसी में सेम है, इससे भी आप। चिंदी मतलब छोटा, तो जब छोटी पूजा होगी तो छोटे तेल के दिए जलाएंगे, तो चिंदी, चिंदू मीन्स छोटा, तो चिंदू भागवतम। ठीक है, बाल में तेल लगाते हैं तो घुसड़ी चिपकू टाइप का हो जाता है, घुसड़ी पूरा हो जाता है, घुसड़ी याद हो जाएगा यहाँ से आपको। और अगर तेल गिर जाता है तो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि तेल ढोल दिया, ढोल दिया कहते हैं, तो ढोल से ढोलू बोमा लट्टा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला जो स्टेट है फ्रेंड्स वो केरला, यहाँ का जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और जो सीएम है यहाँ के चीफ मिनिस्टर वो श्री पिनरई विजयन। ठीक है, जो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आते हैं डांस पे, फोक डांस का जो यहाँ का पहला डांस है मुडियट्टू, मुडियट्टू। ठीक है, तो मुडियट्टू जो है ये रिचुअल थिएटर डांस ड्रामा है केरला का, जो कि मैथोलॉजिकल टेल ऑफ ए बैटल बिटवीन गॉडेस काली एंड डेमन दारिका पे बेस्ड है। ठीक है, अगर आप देखिएगा, ये देखिए पिक्चर, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा गेटअप देखिए, भगवान का गेटअप है जो है, ये दारिका जो है उसका गेटअप लिया गया है, दारिका जो राक्षस था तो गॉडेस काली ने जो उनका संहार किया था। ठीक है, गॉडेस काली के द्वारा जो दारिका राक्षस का संहार किया जाता है उसी पे बेस्ड है, एक्चुअली उसी पे बेस्ड है, और उसी को दिखाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए डांसर्स यहाँ परफॉर्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो स्टेप है वो मईल अट्टम, तो मईल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, मईल मीन्स मोर होता है और अट्टम मीन्स डांस, तो परफॉर्म इन केरला एंड तमिलनाडु दोनों में किया, केरला एंड तमिलनाडु दोनों में किया था, मईल मीन्स पीकॉक, तो ये मईल देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो गर्ल्स हैं, औरतें जो हैं वो मोरनी का रूप लेके, ठीक है,
पिमोरने का रूप लेके डांस परफॉर्म करती हैं, तो इसी से इसका नाम हुआ है मयिलट्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अगला डांस जो है वो कुम्मी, तो ये भी केरला एंड तमिलनाडु में बाई वुमेन के द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग पोंगल फेस्टिवल। नो म्यूजिक डांस ओनली रिदमिक क्लैपिंग। देखिए आप ये कुम्मी देखिए, ये सर्कल बना के यहाँ की जो औरतें हैं ठीक है, पोंगल फेस्टिवल में ओनली क्लैपिंग, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ क्लैप, हाथों को बजा के क्लैपिंग के रिदम को मिला के और ये डांस परफॉर्म किया जाता है। अगला डांस जो है कुम्मी, कुम्मी ये भी आपको मिलेगा, कुम्मी बता दिया आपने। अगला डांस जो है वो काई कोटी काली, क्या है काई कोटी काली, ये टेम्पल डांस है जो ओनम को सेलिब्रेट करने के लिए हार्वेस्ट टाइम पे, जब हार्वेस्टिंग होती है फेस्टिवल क्रॉप्स की, जब हार्वेस्टिंग होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए डांस फॉर्म किया जाता है टेम्पल्स में। ये भी गर्ल्स के द्वारा किया जाता है, वुमेन्स के द्वारा किया जाता है टेम्पल मंदिर में, भगवान का थैंक्स करने के लिए कि फसल हमारी अच्छी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला डांस है पदयानी, पदयानी ठीक है, तो पदयानी जो है वो मार्शल डांस है ऑफ साउथ केरला। पदयानी मीन्स रोज ऑफ इन्फेंट्री एंड सोल्जर्स। ठीक है, डांस वेयरिंग ह्यूज मास्क, जो मास्क है ये देखिए बड़ा सा, जो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ठीक है, ये कितना बड़ा सा मास्क पहने हुए हैं सर पे, ये मेन ये पद यानी इसी को फेमस है क्योंकि ये एक्चुअली ये मास्क की वजह से ठीक है, इसका जो मास्क का नाम है वहाँ के लैंग्वेज में कोलम कहा जाता है। ठीक है, अगला डांस है फ्रेंड्स कोलकली और परिचकली, ठीक है, या कोलकाली या परिचकाली, ये भी मार्शल आर्ट डांस है साउथ केरला एंड लक्षद्वीप का। कोल मीन्स स्टिक और परिच मीन्स शील्ड, शील्ड हाथ में स्टिक और शील्ड लेके ये फाइट सीक्वेंस पूरा एक्ट किया जाता है। ठीक है, अगला डांस है फ्रेंड्स थेयम, तो थेयम डांस जो है बाई मेल्स के द्वारा किया जाता है। ये देखिए थेयम डांस जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नहीं है, अगले पिक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा, कोलकाली तो देख लिया आपने। ठीक है, थेयम डांस जो है वो मेल्स के द्वारा किया जाता है। लोअर केस जो कम्युनिटी यानी कि छोटी जाति के जो लोग हैं वो कास्ट स्ट्रक्चर परफॉर्म बाई नम भूथीरी ब्राह्मिन्स, मतलब ब्राह्मिन्स का कैटेगरी है इन केरला, जिनका नाम है नम भूथीरी ब्राह्मिन्स जो हैं केरला के, वो ये डांस अपने मतलब वरदान पाने के लिए या ब्लेसिंग्स लेने के लिए ये डांस परफॉर्म करते हैं। अगला डांस है कोडियट्टम, कुडियट्टम मीनिंग क्या होता है फॉर्म्स कंबाइंड एक्टिंग, कुडी मतलब कंबाइंड एक्टिंग, ये संस्कृत थिएटर फॉर्म है, संस्कृत मतलब ये आप समझ लीजिए जो भी हमने डांस पढ़ा है अभी तक उनमें से ये पहला ऐसा डांस है जो संस्कृत बेस्ड थिएटर ट्रेडिशनली परफॉर्म इन केरला, तो ये जो है रजिस्टर्ड बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। कोथू मीन्स होता है डांस और परफॉर्मेंस इन तमिल एंड मलयालम में, जो परफॉर्मेंस होते हैं वो तमिल या मलयालम लैंग्वेज परफॉर्म करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डांस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो डांस हमने पढ़ा वो कोई भी संस्कृत थिएटर नहीं था टोटली बेस्ड, पर ये जो है वो संस्कृत थिएटर बेस्ड डांस है, ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है केरला में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला डांस है ओपाना, ओपाना जो है मेनली ये मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। ये देखिए आप ये जो ब्राइड है यहाँ पे, ये पूरा कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये पूरा सोने से लदा हुआ है ये, ठीक है, गला जो है पूरा सोना पहने हुए, हाथों में, सर में, कान में, और जो हाथ है इनका पूरा मेहंदी से रंगा हुआ है, बहुत स्पेशल आर्टिस्ट होते हैं मेहंदी के जो ये लगाते हैं हिना मेहंदी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ओपाना जो है डांस देखा आपने, और यहाँ पे देखिए आप ओपाना जो है नाम वो अरेबिक वर्ड आफना यानी कि संहार करना, ठीक है, वहाँ से लिया गया है और आफना से लिया गया है। ये फीमेल्स के द्वारा किया जाता है वेडिंग टाइम पे, ठीक है, तो बता ही दिया मैंने आपको, ये ब्राइड जो है पूरे ड्रेस्ड होते हैं पूरे कवर्ड विथ गोल्ड ऑर्नामेंट एंड हर पाम एंड फीट एडॉर्न विथ एन इंट्रिकेटली वूवन पैटर्न हिना, जो मेहंदी लगाती है हाथों में ये लोग। ठीक है, अगला डांस है फ्रेंड्स ओटम थुलाल, ओटम थुलाल जो है ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, ये जो आदमी है इन्हें जो गेटअप लिया हुआ है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये सोलो डांस है, ये आपको अकेला दिख रहा है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सोलो डांस है, जो कि टेंपल फेस्टिवल्स जो होते हैं वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है डांस, ये बहुत ही यूनिक डांस है,
ये बहुत ही सिंपली प्रेजेंट किया जाता है ह्यूमर के साथ, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है भारत मुनि द्वारा, ये उनके रूल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इस डांस में, ठीक है। अगला डांस फ्रेंड्स वो है वेल्ला कली, ठीक है। वेल्ला कली ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा होगा तीसरा जो पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। ये जो सारे ग्रुप ऑफ मेल हैं ये हाथ में शील्ड लिए हुए हैं और एक लकड़ी लिए हुए हैं, ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये परफॉर्म किया जाता है मेन के द्वारा, टेम्पल ऑफ साउथ केरला टेम्पल्स डांस है ये। द डांस इन क्लैड एंड ट्रेडिशनल क्लोथ एंड कलरफुल हेड गियर ऑफ द मिडिवल नेल सोल्जर्स का रूप दिखाने के लिए कि कितने ये सक्षम है हर चीज़ों में सैनिक, ठीक है। तो ये डांस किया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए किसको कैसे याद किया जाए फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग, इसका याद करने का टेक्निक समझते हैं हम लोग। केरला में तो केरला के डांस फॉर्म को याद करने के लिए करेला का कॉन्सेप्ट लेंगे हम लोग। करेला जो हम लोग बहुत लोगों को पसंद भी होता है ना, करेला नाम सुनते ही मतलब पूरा कड़वा कड़वा फील होने लगता है, मूड ही कड़वा हो जाता है समझ लीजिए। तो केरला सुनते ही मूड ही कड़वा हो जाता है, हो गया तो मूड से मूडी एट्टू आ जाएगा आपका। मम्मी बोली करेला खाने से पेट का मैल निकल जाता है, खा लो, तो मैल से मैल अट्टम। तो आपने बोला काय को खाओ मम्मी, तो काय को खाओ, तो काई कोटी काली, ठीक है। भी मम्मी ने फिर बोला आपने, नहीं मम्मी, क्यों मम्मी, क्यों मम्मी, बार बार बोलिएगा आप, क्यों मम्मी क्यों मम्मी, तो कुम्मी आ गया, क्यों मम्मी से। कुछ लोग को ये जो करेला है वो यमी लगता है, उन लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, ठीक है। तो खाने के बाद बोलते हैं दे आर यम, क्या बोलेंगे, दे आर यम, तो थे यम डांस याद हो गया आपको यहाँ से। फिर मम्मी बोलती है पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कल पर्चा है यानी कि एग्ज़ाम है, ठीक है। तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई से पदयनी और कल से कोलकाली और पर्चा से परिचकाली, ठीक है। चलो ओपन योर माउथ, मम्मी बोली चलो ओपन योर माउथ, तो ओपन से ओपाना हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप इसको नोट कर लीजिएगा, ओपन से ओपाना हो जाएगा, ठीक है। मुंह में लेते ही थू थू कर देते हो, तो मम्मी बोली मेरी कुड़ी ने तो खा लिया, मतलब अब जिसको पसंद नहीं थू थू ही तो करेगा खाने के बाद, मुंह में लेने के बाद। तो मम्मी ने बोला चलो ओपन योर माउथ, ओपन से ओपाना हो गया, तो मुंह में लेते ही थू थू कर दिया अपना, तो थू थू से ओटम थुला हो गया, देखिए। और मम्मी ने बोला कि कुड़ी, मेरी कुड़ी ने तो खा लिया, तो कुड़ी से कुड़ी अट्टम, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सारी स्टोरी वैली है, वैली तो है, हम लोग याद करने के लिए सिर्फ ये स्टोरी दिमाग में ला रहे हैं, ठीक है। ये सारी स्टोरी वैली है, तो वैली से वेल्ला कली हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो स्टेट है वो फ्रेंड्स तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो चेन्नई है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं इदप्पड़ी के पलन स्वामी, ठीक है। तो ये जो स्टेट यहाँ पर देखिए डांस जो यहाँ का है वो मैल अट्टम कुम्मी, ये सेम है जो आपने अभी केरला में पढ़ा। अभी केरला और तमिलनाडु सटे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैल अट्टम और कुम्मी, आगे है बोमा लट्टम, ठीक है। बोमा लट्टम देखिए, मई लट्टम दिखाया, बोमा लट्टम पपेट डांस वो है, फुल्ली ये पपेट के थ्रू किया, स्ट्रिंग पपेट में स्ट्रिंग लगा देते हैं और यह उंगलियों के द्वारा पपेट्स को कंट्रोल किया जाता है और ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगला डांस फॉर्म है फ्रेंड्स थोल पवई कोथू, ठीक है। ये शैडो पपेट्री है, पपेट्स हो ये भी है लेकिन शैडो पपेट्स का शैडो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ओल्ड आर्ट है, 400 लगभग 400 साल पुराना है, 400 ईयर ओल्ड डांस परफॉर्म विद पपेट मेड अप ऑफ लायन एंड डियर स्किन का इस्तेमाल करके, लायन और डियर का स्किन। अब इसमें ध्यान दीजिए कि लायन और डियर स्किन का इस्तेमाल करके ये पपेट बनाते हैं, उसके शैडो का इस्तेमाल करके डांस। ये देखिए तीसरा जो आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पिक्चर थर्ड वन देखिए यहाँ पे ये डांस कैसे कितने सुंदर तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अगला जो है वो काराकट्टम, तो काराकट्टम डांस जो है वो ग्लोरी ऑफ द रेन गॉडेस, मतलब जो रेन गॉडेस है मरियमन, ठीक है, उनको खुश करने के लिए, उनको राजी करने के लिए, ताकि बारिश हो जाए, जब कभी बारिश नहीं होती है तो उनको खुश करने के लिए काराकट्टम डांस यहाँ के लोग करते हैं, ठीक है। अगला डांस है पुली अट्टम टाइगर डांस है। ये देखिए फ्रेंड्स जो पुली अट्टम डांस देखिएगा आप,
ये पूरा टाइगर का गेटअप है, ये बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट द्वारा गेटअप किया जाता है इनका। ये टाइगर का रूप लेके गेटअप लेके हार्वेस्ट फेस्टिवल पे ये परफॉर्म किया जाता है। बहुत ही खुशी जाहिर करते हैं ये लोग कि फिरला मतलब अच्छा हो। और ये जो है केरला एंड कर्नाटक वहाँ भी फेमस है ये डांस। ठीक है, अगला डांस है पोइकल कुथिराई अट्टम। ठीक है, ये डमी हॉर्स डांस है, हॉर्स का डमी और उसके अंदर ये लोग बीच में घुस जाते हैं। आगे से आपको हॉर्स उनका मुंह दिखेगा और पीछे से ये क्या होता है कि उसके अंदर मैन चाहे वुमेन कोई भी अंदर जाके ये डांस को पूरा परफॉर्म करते हैं। तो बहुत ही सुंदर अतरंगी डांस है, पर बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में। ये महाराष्ट्र में भी फेमस है, इसीलिए क्योंकि कहा जाता है कि महाराष्ट्रियन जो मराठे लोग हैं वो वहाँ से यहाँ आए थे, तो ये डांस फॉर्म उनके वहाँ के लोग वहाँ आ गए, वहीं बस गए, तो वहाँ के डांस फॉर्म में ये इंक्लूड हो गया। अगला जो डांस है वो कावड़ी अट्टम। ये देखिए जो ये महिलाएं हैं थर्ड पिक्चर में, देखिए आप ये जो कावड़ी, इसको कावड़ी कहा जाता है, जो हाथ में जो इन्होंने लिया है ये बहुत ही सुंदर लगता है कावड़ी। ठीक है, इस कावड़ी को लेके हाथ में डांस किया जाता है। ठीक है, लॉर्ड मुर्गन के वर्शिप में। ठीक है, उनके सेक्रीफाइस और ऑफरिंग प्रेज टू हिम हेल्प विथ अ वार्ड ऑफ देयर डेब्ट्स, मतलब उनकी ज़िंदगी से जो भी मुश्किलें हैं वो सब निकल जाएं और वो खुशहाल ज़िंदगी बिता सकें, इसका भीख मांगते हैं, समझ लीजिए बेग करते हैं। ठीक है, बेगिंग फ्रॉम लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं या प्रे करते हैं। ठीक है, अगला जो डांस फॉर्म है फ्रेंड्स वो है ओई लट्टम। ये देखिए ओई लट्टम, यहाँ जो गांव वाले हैं ये आदिवासी डांस ग्रेस ओरिजिन ऑफ ब्यूटीफुल एक्सिव डांस ऑफ मदुरई रीजन परफॉर्म बाय अ मैन मेकिंग अ रो कतार बना के परफॉर्मिंग अ डिस्टिंक्टिव स्टेप्स एंड अ म्यूजिकल नोट्स विद अ वुमेन हैव ऑल्सो स्टार्टेड नाउ अ डेज वुमेन हैव ऑल्सो स्टार्टेड बट लेटर ऑन बिफोर ओनली दिस डांस आर परफॉर्म बाय अ मैन, मतलब सिर्फ मैन के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि वुमेन्स भी इस डांस को में पार्टिसिपेट करने लगी हैं। तीसरे पिक्चर में देखिए पराई अट्टम, सॉरी दूसरे पिक्चर में पराई अट्टम। ये जो है पराई मीन्स ड्रम होता है, ओल्डेस्ट ड्रम इन इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत ही मतलब सबसे पहले जो ड्रम बना होगा ना उस टाइम का ये ड्रम है, इतिहास हमारे भारतीय इतिहास का सबसे पुराना ड्रम है, उसको लेके अपने खुशी को जाहिर करने के लिए डांस करते हैं। और अगला डांस है काई सिलाम्बू अट्टम देवराट्टम। ठीक है, काई सिलाम्बू अट्टम देखिए आप, ये भी महिलाएं करती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं यहाँ पे करती हुई। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स।